दिन पहले एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला, बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था, छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता, राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी, तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या। मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है, कहता है नहीं। क्या हुआ? राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता, मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में, मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता वहां, आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बनता। कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है, हमारी कोई सुनता नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे चॉइस नहीं होती।